बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के सुरवीरों को, मैं आज याद कर रहा हूं शहीद धीरेन्द्रनाथ दत्तों को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम रफीक बरकत जब्बार और शाफीउर जी को। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एका, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी, कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद हल्दर जी ने कहा था, एक सागर रक्तेर विनिमये बांग्लार स्वाधीनता आनले जारा, आमरा तोमादेर भूलबो ना, आमरा तोमादेर भूलबो ना। यानी जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं।